माइनक्राफ्ट 100 डेज, बट हर एक दिन न्यू चैलेंजेस आते रहेंगे। तो इन्हीं चैलेंजेस के साथ 100 डेज में मेरे को एंडर ड्रैगन को हराना है। तो क्या लास्ट में मैं एंडर ड्रैगन को हरा पाऊंगा? चलो चेक करते हैं। ओके, सो अपना एक वर्ल्ड बना लेता हूँ। 100 डेज, गेम मोड ऑब्वियसली हार्डकोर। ऑलराइट, लेट्स गो। ओके, सो मुझे स्पॉन कर दिया गया है। वेट, डे वन का चैलेंज आई कैन टच ग्रास। डे वन में हार्ड वाला दे दिया, टच कर लूं तो क्या होगा? लेट मी चेक। पीछे रहना चाहिए। आई थिंक मैं यहाँ पे डर्ट का यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने पेड़ के पास वाली ग्रास को हटा के पेड़ को माइन किया, क्राफ्टिंग टेबल बनाया और एक पिकैक्स भी बना ली। नाउ आगे सुनो, क्योंकि मैं कमेंट्री भी कर रहा था। वैसे इस चैलेंज के अकॉर्डिंग मेरे को स्पॉन बहुत अच्छा मिला है। मेरे स्टोन के टूल्स तो सारे यहीं पे बन जाएंगे। हाँ, तो आई गेस इतना स्टोन तो काफी होगा। एक फर्नेस बना लेता हूँ। एंड यस, मेरे सारे टूल्स तैयार है। नाउ ग्रास के ऊपर चढ़ने के लिए मैं थोड़े से स्टोन ले रहा था, देन मेरे को यहाँ पे कोल भी दिख जाता है। भाई सीरियसली, क्या स्पॉन है ये? वेन तो ये बड़ी लग रही है मुझे। अरे केव तो अंदर तक है, यहाँ पे आयरन मिल सकता है क्या? बट देन मेरे को थोड़ा सा कोल दिख जाता है। आगे जाता हूँ, मकड़ी को मारता हूँ, और कोलों में तो मैं अंधा हो गया था इसलिए माइन कर लेता हूँ। बट गेस व्हाट, यस, पता नहीं है कैसे नहीं दिखा मुझे। ऑलराइट, अच्छा खासा। वेट अ सेकेंड, अभी ग्रास के ऊपर पैर रखा जाता मेरा। अबे कोई नॉर्मल ब्लॉक। ओके चलो, बच गया भाई। डर्ट कब ग्रास बन जाए पता भी ना चले। ओ वहाँ पे एक शीप है, हैं? एक यहाँ पे भी घूम रही है। मारने के लिए नीचे जाना ही पड़ेगा। ओके, फिर मैंने जैसे तैसे ब्लॉक को प्लेस करके शीप को मारा। अरे यार, ये वूल कैसे लूं मैं? ऐसे ऊपर आ जाएगी क्या? ये तो और दूर जा रही है, लगता है मुझे कूदना पड़ेगा। और फिर मैं बूल लेके ऊपर जा ही रहा था, बट देन मेरे साथ एक अजीब घटना हो जाती है। हैं? ये तो मैं ग्रास। अबे अरे यार, मोड ने मेरे को 2 सेकंड का समझने का टाइम दिया था, वरना मैं टपक जाता। आगे की तरफ 4 शीप्स है, मतलब फर्स्ट डे सोने का जुगाड़ इजीली हो जाएगा। बट पहले मैंने फर्नेस को प्लेस करके उसके अंदर खाना गर्म किया। नाउ लेट्स गो शीप्स को मारने। अरे शीप्स तो यहाँ पे, अबे गया। एक दिल पे बचाऊ। उसके बाद मैंने 2 शीप्स को मारा, जटिल फॉर्मूलाज लगाए, वूल कलेक्ट की और एक बेड बना लिया। ऑलराइट, नाउ फाइनली आई कैन स्लीप, और सो गया। ओके, डे वन कंप्लीटेड फाइनली। बाय द वे, इस मोड के अंदर मैंने सारे चैलेंजेस को रैंडम टिक्स पे सेट किया है, तो कोई सा भी चैलेंज किसी भी दिन आ सकता है एंड रैंडमली डेज के लिए गेम में रह सकता है। खैर अभी मैं ग्रास को टच नहीं कर सकता। अबे अरे यार, ये नीचे गिरा के रहेंगे मुझे। बाय द वे, डे 2 में मैं देख रहा था यहाँ पे कोई आसपास विलेज है क्या, बट देन मुझे आभास हुआ एक छोटा सा आइलैंड है। मैं तैर के सामने वाले आइलैंड पे गया, शुगर केन कलेक्ट किए एंड नाउ बना के चल पड़ा दूसरे आइलैंड ढूंढने। ये सामने डेजर्ट बायोम है क्या? भाई आसपास एक विलेज मिल जाए ना काम चल जाएगा। नेवर माइंड, मुझे लगा बड़ी बायोम है। वेट, अरे रूइन पोर्टल है, बट जाऊं कैसे? अरे पेड़ों के ऊपर से जाऊंगा ना भाई, अच्छी खासी लूट मिलनी चाहिए। अरे इतनी आसानी से थोड़ी ना मर जाऊंगा। देन मैंने पूरी चेस्ट को लूट लिया, कुछ खास लूट थी नहीं वैसे। नेदर एग मेरे बहुत काम आ सकता है, लाइक ग्रास के ऊपर प्लेस करने के लिए सही है ये। देन मेरे को यहाँ पे एक स्टोन का पठार दिख रहा था, मैं आयरन की तलाश में चला गया इसके ऊपर। बट यस, इसके ऊपर मुझे एक भी आयरन नहीं मिला। ओ सामने शायद बहुत बड़ी वाली बायोम है, इधर केव है क्या? ओ आयरन मिल गया, लेट्स गो। आई डोंट थिंक सो ये कोई बड़ी वेन है, बस 2 मिले मेरे को। और फिर मैंने इनको पका लिया और इस आइलैंड से निकल गया आयरन की तलाश में। देन सामने मेरे को स्टोन का एक और पठार दिख रहा था, एंड यस यहाँ पे आयरन मिल गया मुझे, मैंने माइन कर लिया। ओ ये कैसी केव है, अंदर चलते हैं इसके। अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने एक शील्ड बनाई, बिकॉज कुछ भी आ सकता है सामने। टॉर्च भी बना लेता हूँ यार, अंधेरा बहुत है। ऑलराइट, कौन आ रहा है? अबे तो मेरे पास जो भी आयरन था मैंने उसको पका लिया, उससे एक आयरन पिक बना ली और चल पड़ा लोहे की खोज में। एंड यहाँ पे तो मैं सीरियसली गिरते गिरते बच गया। देन जाके मेरे को एक आयरन की वेन मिली, मैंने पूरी माइन कर ली। एक जॉम्बी को धक्का दिया, एंड गेस व्हाट, जहाँ पे वो गिरा था यहाँ पे एक डायमंड था। एंड हियर वी गो, 100 डेज हार्डकोर का फर्स्ट डायमंड। इसी केव के अंदर मैंने बहुत सारा आयरन माइन किया एंड मेरा पूरा आयरन का आर्मर बन गया। एंड बाहर आने के बाद आई रियलाइज डे चेंज हो चुका था। अबे वेट अ सेकेंड, डे चेंज, अच्छा तीसरा दिन हो चुका है। मैं जिस चीज को भी देख रहा था वो गायब हो रही थी। अरे यार ऐसे खेलूं कैसे मैं? वेट, अगर बैक रूम्स में पहुंचा दिया, इसका मतलब मैं पेड़ वगैरह कुछ माइंड नहीं कर सकता अभी, और अगर करने की कोशिश करूं तो हर चीज गायब हो रही है। अरे वो क्या है? आई थिंक मेरे को वहाँ पे चेस्ट मिल सकती है, बस ये पूरे स्ट्रक्चर को देखना नहीं है मुझे। यप देखो, चेस्ट तो है। ओ सामान गिर गया, लेट्स गो। बस फिशिंग रॉड काम की मिली है। वेल अभी फिशिंग के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज जिस चीज को देखूंगा वो गायब हो जाएगी। एंड देन मैंने यहाँ पे day 3 से day 5 तक फिशिंग की। ओके इट्स day 5, तो आज डैमेज लेने से रैंडम मॉब स्पॉन होंगे। चलो चेक करते हैं। अबे ब्लेज, चलो बारिश पड़ रही है, खुद ही मर जाएगा भाई। ऐसे तो विदर वगैरह स्पॉन भी हो सकती है। फिर अभी मेरे को बहुत सारा खाना चाहिए। और फिर मेरे को यहाँ पे पिग्स की टोली दिखी, मैंने सबको खत्म कर दिया एंड सबको फर्नेस में डाल दिया। और फिर मैं जंगल बायोम में घूम रहा था, बट बहुत रात हो चुकी थी, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सो गया। एंड day 6 इज हियर। और फिर मैं वहां से जा रहा था, देन मुझे डैमेज मिल जाती है, एक वॉल्फ स्पॉन हो जाता है जिसके लिए मेरे पास बोन है, मैं उसको टेम कर लेता हूँ। अबे यहाँ पे आयरन है, लेट्स गो, आयरन के टूल्स बन जाएंगे मेरे, एंड उससे मैं आयरन की एक्स बना लेता हूँ। अबे तू नीचे क्या कर रहा है? ऊपर आना। ओके इस बार आएगा। अबे
यस आ गया। इसकी टीपी करने की शक्ति अच्छी लगी, बट देन मेरे ऊपर हमला होता है। डॉग मारना उसको जाके। अरे आ पिलेजर स्पॉन करवा दिया और फिर इस फाइट में मैं पिलेजर को मार देता हूँ। यहाँ पे एक नया डॉग स्पॉन हो गया था, मैंने उसको भी टेम कर लिया। अभी मेरे पास 6 रन रखे थे तो मैंने एक बकेट बना ली, एक स्वॉर्ड भी बन गई और फिर डे 6 से 9 तक मैंने टाइम पास किया, मतलब कुछ मिला नहीं मुझे। मैं केव से बाहर आया, स्केलेटन मारा एंड पेड़ के ऊपर सो गया। अगले दिन एक न्यू मोड आ गया, ओ जिस मॉब को मैं मारूंगा उसके जैसा बन जाऊंगा, ये वाला तो बढ़िया लग रहा है। चलो एक्सोलोटल बनते हैं। ओ भाई एक्सोलोटल बन गया मैं, अभी शायद मैं पानी के अंदर तैर सकता हूँ बिना बबल्स के। अभी ऐसा लग रहा है बोट अपने आप चल रही है। बट यस ये चैलेंज मुझे अभी तक सबसे अच्छा लगा। देन मुझे एक आइलैंड मिलता है और यहाँ पे मैं उड़ने की लालच में बी से पंगा ले लेता हूँ एंड स्वयं मधुमक्खी बन जाता हूँ। अरे मरना नहीं है, ओके नाउ आई कैन फ्लाई। भाई इसमें कितने मजे आ रहे हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ उड़ के। वेट, यहाँ से स्नोबॉल इकट्ठी कर लेता हूँ ना, जब ड्रैगन को मारूंगा काम आएगी। और फिर स्नोबॉल इकट्ठी करने के बाद मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। मैं सोच रहा था उड़ते उड़ते एक विलेज मिल जाए, बट विलेज की जगह मेरे को यहाँ पे एक आउटपोस्ट मिलता है। चलो लूटते हैं इसको। लेट्स सी इनकी चेस्ट में क्या है, कुछ खास तो है नहीं, अब यही करना पड़ेगा मेरे को। वेट लेट मी चेक, ये लोग मेरे को ऐसे मारेंगे क्या लाइक है। अबे अब तो भेस बदल के आया था। आउटपोस्ट के ही साइड में मेरे को एक केव मिलती है, मैं उड़ता उड़ता केव के अंदर घुस जाता हूँ। नाउ डे 10 से डे 12 तक मैं यहाँ पे ऐसे ही घूमता रहा। फिर मुझे एक जॉम्बी मिला जिसको मार के मैं जॉम्बी बन गया। और फिर जॉम्बी बन के मैंने माइनिंग की डे 12 से डे 20 तक। इसी बीच मैंने बहुत सारा आयरन माइन किया एंड आयरन की पिकेक्सेस बनाई और उनसे फिर डायमंड को माइन किया। देन मेरे को एक बैट की आवाज आई, मैंने मार दिया और फिर मैं एक बैट बन गया। ओ भाई मेरे को सब दिख रहा है बैट बन के। देन आई रियलाइज अगर मैं बैट बन के केव में ऐसे ही घूमूंगा देन मेरे को ऐसे ही खुले बहुत सारे इजीली डायमंड मिल जाएंगे। एंड आई डिड द सेम, मेरे को अगेन बहुत सारे डायमंड मिलने लग गए थे। डे 20 से डे 25 हो चुका है, मेरे पास टोटल 58 डायमंड हो गए। अरे मेरे को लावा पूल के ऊपर नहीं उड़ना चाहिए वरना मोड चेंज होते सीधा लावा में गिरता। खैर अभी तक तो यही मोड चल रहा है। फिर जैसे तैसे करके मैं इस गुफा से बाहर आ गया एंड उड़ते उड़ते मेरे को यहाँ पे एक विलेज मिल गया। फिर यहाँ पे मुझे आयरन गोलम दिखा, उसको मार के मैं गोलम बन गया। बट देन इट वाज डे 26, तो मेरे को हर 60 सेकंड में एमएलजी करनी है। चलो ये भी हो जाएगी। देन इसके बाद 5-6 मिनट की क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई जिसमें मैंने अपने 58 डायमंड से डायमंड टूल एंड डायमंड आर्मर बनाया था। अभी 25 डायमंड बचे हैं मेरे पास। ओ यहाँ पे लावा पूल है, लावा पूल देखते ही मैंने यहाँ पे एक पोर्टल बना दिया। लेट्स गो टू नेदर। बट नेदर में आके मुझे आभास हुआ अभी एमएलजी वाला चैलेंज चल रहा है, अगर नेदर में मुझे उड़ा दिया गया देन एमएलजी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ वाटर बकेट काम नहीं करती है। तो एक कंकाल पंगा ले रहा था उसे मार के मैं सीधा ओवरवर्ल्ड में चला गया और एक सेफ जगह बैट प्लेस करके सो गया। डे 27 हो चुका है और अभी तक रहने का ठिकाना नहीं बनाया मैंने। अबे अच्छा एमएलजी करनी है मेरे को, 60 सेकंड हो चुके हैं। ऑलराइट ओ वहाँ पे हॉर्स है बट आई डोंट हैव वेट, विलेज में तो पक्का मिल जाएंगे मेरे को। ओके देन मैं सारे हेबेल्स को माइन कर लेता हूँ, इनसे वेट बना लेता हूँ और फिर बहुत मशक्कत करने के बाद एक घोड़े को टेम कर लेता हूँ मैं। एंड जो सैडल मेरे को फिशिंग रॉड से मिली थी वो इसको पहना देता हूँ। अच्छा तो ये वाला विलेज जॉम्बीफाइड है, मुझे फिर एमएलजी करने के लिए उड़ा दिया गया है। ओके लेट्स गो। ओ यहाँ पे एक और विलेज है एंड इधर एक जॉम्बीफाइड है, नाइस ठीक है ये करिए एमएलजी। लेट्स गो इस विलेज के अंदर, अभी सीधा जाके सोऊंगा मैं पहले। ओके डे 28 है? अच्छा मेरे को वर्ल्ड बॉर्डर फॉलो करेगा, मतलब मैं इतने छोटे से वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर कुछ प्लेस ही नहीं कर सकता, कुछ ब्रेक भी नहीं कर सकता अंटिल वो चीज बॉर्डर के अंदर हो। भाई ये तो मेरे लिए दिक्कत बढ़ा देगा। लाइक सी क्रीपर आ रहा है, मैं इसको कैसे मारूं, ज्यादा पास जाऊंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा वो। चल फूट जा। बाय द वे मैं अपने सामान को यहाँ पे रख रहा हूँ अभी और फर्नेस में मेरा खाना पकता रहेगा। बाय द वे इस विलेज के पास यहाँ पे एक घर बना लूंगा अपना छोटा सा, ये जगह तो अच्छी लग रही है मेरे को। यस तो घर बनाने के लिए मैंने पहले यहाँ की घास साफ कर दी, क्रीपर की तबाही को फिल कर दिया और फिर डे 28 से 35 तक बहुत सारी लकड़ी कलेक्ट करी। ऑलराइट एंड ये गई मेरी सारी लकड़ी। वैसे मुझे लग रहा है मैं ज्यादा ले आया क्योंकि मैं छोटा सा ही घर बनाऊंगा। और फिर जैसे ही मैंने अपना फर्नेस चेक किया, अबे अभी तक पका नहीं, वेट अ सेकंड, देन मुझे पता चला वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर फर्नेस काम नहीं करता है। फिर मैंने अपने ब्लॉक्स बनाए, मुझे सैंड भी चाहिए थी थोड़े से ग्लास के लिए और फिर फर्नेस में डाल दी सैंड। अभी मुझे यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा वरना ये फर्नेस काम नहीं करने वाला। फिर टोटल 4 ग्लास पक गए। अपने घर बनाने के लिए मेरे को कोबल स्टोन भी चाहिए था, मैंने उसको भी अपने बॉर्डर के अंदर ला ला के माइन किया। ओके सो यहाँ पे बनाऊंगा मैं अपना घर। देन मैंने डे 35 से 51 तक बनाया इस घर को।
ओके सो ये है डे 51। वर्ल्ड बॉर्डर की वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया इसको बनाने में, बट यस फाइनली ये बन तो गया। नो मैंने ये घर के साइड में जो फेंसेस लगाई है इनके अंदर मैं खेती कर रहा था, बट अभी वर्ल्ड बॉर्डर की वजह से मैं पानी को प्लेस नहीं कर पा रहा था, फिर मैंने अभी खेती करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा घर में मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी। नाउ डे 51 की रात होने वाली थी, सोने चलते हैं भाई। अच्छा मतलब इतनी मेहनत से घर मैंने बनाया और यहाँ के किसान सो गया, भाग गया यहाँ से और फिर मैं सो गया। डे 52 चेस्ट हर 3 सेकंड में स्पॉन होंगे, मुझे तो नहीं दिख रही चेस्ट, बाहर स्पॉन हुई है क्या? ओ मेरी नीचे स्पॉन हो रही है, खाली चेस्ट है क्या? अबे ये कैसी लूट है, अरे यार ये कैसी चेस्ट है, बड़ी बेकार लूट है। चलो अभी अपनी खेती कर लेता हूँ, इस मोड के अंदर कम से कम खेती तो कर सकता हूँ। देन मेरे को एक चेस्ट के अंदर पांडा का स्पॉन एग मिलता है, एक के अंदर डायमंड ओर भी था, मतलब थोड़ी उम्मीद इन चेस्ट से रख सकता हूँ मैं। फिर टाइम ना वेट करते हुए मैंने अपनी खेती पूरी करी, बट ये चेस्ट स्पॉन होके मेरा लैंड खराब कर रही थी। ऑलराइट खेती हुई कंप्लीट, बट इन चेस्ट ने हर जगह स्पॉन होके पूरा एरिया खराब कर दिया था और लूट तो कुछ भी खास नहीं मिल रही थी इनमें से। देन मैंने फेंसेस से एक बाड़ा बना दिया और पांडू के स्पॉन एग को इसमें डाल दिया, बट ये बाहर स्पॉन हो गया। फिर मैंने बहुत कोशिश करी इसको बाड़े में डालने की, पर यहाँ पर मैं असफल रहा, जमर जा कहीं भी जाके। बट फिर मेरे को इसके ऊपर थोड़ी दया आ गई, जहाँ ये खड़ा था मैंने वहीं पे जल्दी से बाड़ा बना दिया, बड़ा आया भागने वाला। रात हो चुकी थी, मैं जाकर सो गया। डे 55 न्यू मोड आ गया है, इसमें जंप मल्टीप्लाई होगी, तो ये गई 5वीं जंप। अरे ये तो ऊंची होती जा रही है, चलो ये अच्छा है मेरे को डैमेज नहीं मिल रही है। देन मैंने यहाँ के चेस्ट को साफ करा, पहले वाले मोड ने बहुत ज्यादा गंदगी कर दी थी। नाउ आज मैं अपने आर्मर को रंग बिरंगा बनाऊंगा, जिसके लिए मेरे पास सारा सामान था एक बुक को छोड़ के। गर्ल शुगर केन मेरे पास पहले से ही है, अभी बस मेरे को बहुत सारी लेदर चाहिए। अरे रुक जा, अबे जंप हो गई। यस मैं लिटरली बहुत ऊंची ऊंची जंप कर रहा था एंड अभी मेरे को डैमेज मिलना स्टार्ट हो गई थी, तो अभी मेरे को डैमेज ना मिले इसलिए मैं MLG भी कर रहा था। तो मैंने थोड़ा सा लेदर कलेक्ट किया, अबे इतनी ऊंची जंप, ये लिटरली अनप्लेएबल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद जाके मैंने एक बुक बनाई और फिर एन्चेंटिंग टेबल, एन्चेंटिंग एरिया बनाने के लिए जगह को फिक्स किया और लगा दिया अपना टेबल यहाँ पे। नाउ मेरे को बुक शेल्फ चाहिए थी, बट मेरे से गलती से बार बार जंप हो रही थी, वो तो अच्छा है मैं MLG कर लेता हूँ, वरना ही मोड मेरे को जीने कहां देता। इसलिए मैंने सोचा अंडरग्राउंड चला जाता हूँ, लैपिस लजूली भी माइन करके ले आऊंगा एंड जंप करने से भी खतरा नहीं होगा। फिर यहाँ पे मैं अंडरग्राउंड प्राणियों से लड़ा और पहुंच गया इस केव के तल में, जहाँ पे तकरीबन 6 दिन माइनिंग करने के बाद इट वॉज डे 61 मैं केव से बाहर आ गया एंड आज मेरे को भूतों की शक्तियां मिली थी, जिससे मैं दीवार के आर पार जा सकता हूँ, अपने चेले बुला सकता हूँ। यस ये लोग भी भूत हैं, इनको मैं अपनी सेवा के लिए स्पॉन कर सकता हूँ और एक सोल स्टील एबिलिटी भी है, चलो ये भी ठीक है। तो नाउ मेरे को इंचेंटिंग टेबल के पास लगाने के लिए बुक शेल्फ चाहिए थे, सो मैंने पेपर्स बनाए और डे 61 से 64 तक मैंने लेदर कलेक्ट किया और थका हारा लौट कर घर को आ गया। देन मेरी टोटल 13 बुक्स बनी क्योंकि पेपर खत्म हो गया था मेरा। फिर 4 बुक शेल्फ बनाए, उनको टेबल के साइड में लगा दिया, ओके। फिर पिकैक्स में लगा दिया एफिशिएंसी 2 और चला गया शुगर केन्स को माइन करने बुक शेल्फ बनाने के लिए। बीच में स्केलेटन से लड़ाई हुई, फिर उसको छोटे ने बहुत मारा। देन मैंने सारे बुक शेल्फ लगा दिए, स्वॉर्ड को स्माइट 4 से इंचेंट कर लिया एंड देन अरे यार 30 लेवल्स चाहिए मुझे पूरे। XP कलेक्ट करने के लिए मेरे को XP फार्म बनाना पड़ेगा, आर्मर भी तो इंचेंट करना है ना। फिर ना उस फार्म को बनाने के लिए मेरे को कोबल स्टोन चाहिए होंगे और फिर मैं बहुत सारे कोबल स्टोन को माइन करता हूँ। तो ये है डे 66 एंड वेट मैं वार्डन बन गया क्या? हर्ट्स कितने ज्यादा हो गए मेरे, इसको तोड़ना पड़ेगा निकलने के लिए। ऑलराइट तो आज मैं एक वार्डन बनाऊं, बट वार्डन अंधा होता है तो मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा। अभी शायद मुझे ऐसे ही XP फार्म बनाना पड़ेगा अपना। फिर मैं थोड़ी देर तक वार्डन की शक्ति का परिचय ले रहा होता हूँ और फिर मैं जाता हूँ स्टोन को माइन करने और फिर मैं माइनिंग करता हूँ डे 68 तक। ओके तो आई थिंक इतने कोबल स्टोन काफी होंगे और फिर मैं सिंपल वाला XP फार्म बनाने के लिए इस जगह को सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ अपने फार्म को बिल्ड करना। नाउ डे 70 से 75 तक मैंने इस फार्म को बिल्ड किया। और फिर मैंने 2 चेस्ट माइन किए और चेस्ट को फार्म के नीचे लगा दिया और फिर मेरे फर्नेसेस में खाना पक गया था। होपर बनाने के लिए मैंने उसमें आयरन डाल दिया और 4 होपर बनाए, उनको फार्म के नीचे लगा दिया एंड ओके गाइस सी मेरा फार्म पूरा रेडी है। वैसे रात के प्राणी में मेरे को मार नहीं रहे हैं, वार्डन भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? और फिर मैं चला गया सोने। ऑलराइट डे 76 वेट यू हैव गन, ओ मेरे पास गन्स है। ओ भाई कुछ यहाँ पे भी पड़ी है, इन्वेंटरी में जगह ही नहीं बची। ओके मैंने सारी गन्स ले लिया है, 100 डेज हार्डकोर में गन्स मिल गई भाई। अरे मेरे को मारेगा है, टॉप जीव मैं माइनक्राफ्ट का। आई गेस मेरे पास अनलिमिटेड एमो नहीं है। उसके बाद मैंने अपना टोरा दिखाने के लिए मासूम स्केलेटन्स की जान ले ली। खैर अभी तक मॉब यहाँ पे नहीं आए थे इसलिए मैंने सोचा मैं 1-2 दिन के लिए AFK चला जाता हूँ। ओके आई एम बैक,
आई गेस बहुत सारे मॉब्स आ चुके हैं। देन मैं इन सबको मार के एक्सपी को कलेक्ट करता हूँ। ओके, सब खत्म हो गए हैं। और फिर मैं अपनी एक्स को एंचेंट करता हूँ अनब्रेकिंग 3 से। फिर से D81 को एक्सपी कलेक्ट करता हूँ और अपने हेलमेट को अनब्रेकिंग 3, चेस्ट प्लेट को फायर प्रोटेक्शन 3 एवं अन्य आर्मर के पार्ट्स को एंचेंट कर लेता हूँ। तो अभी मैं पूरा रेडी हूँ नेदर में जाने के लिए। मेरी गन्स भी नेदर में बहुत काम आएगी। बाय द वे, मेरे घर के पीछे एक लावा पूल था, तो मैं उसी लावा पूल में अपना नेदर पोर्टल बना लेता हूँ। चलो चलते हैं नेदर में। ऑलराइट, दिस इज माय स्पॉन। यहाँ पे बोन्स बहुत ज्यादा दिख रही है। देन मैं अपने ब्लॉक्स यहाँ पे प्लेस कर ही रहा होता हूँ कि साइड में मेरे को ब्लेजेस दिख जाते हैं। अबे फोर्ट्रेस इतनी जल्दी मिल गया। वेट, तुझे बताता हूँ मैं पहले। भाई स्पॉन के इतना पास मिल गया मेरे को ये। उसके बाद मैं साइड से फोर्ट्रेस के अंदर दाखिल होता हूँ। बाय बाय। ओ, इसने ब्लेज रोड ड्रॉप करी है। और फिर मैं ऐसे ही करते करते अपनी गन से बहुत सारे प्राणियों को पछाड़ देता हूँ। ओ, फाइनली ब्लेज स्पॉनर मिल गया, लेट्स गो। ब्लेज स्पॉनर मिलने के बाद मैं अपना टोरा माइनक्राफ्ट के नेदर में दिखाता हूँ। टोटल 4 रॉड्स इकट्ठी हो गई है मेरे पास। ओके, सो 20 ब्लेज पाउडर आई गेस इनफ होंगे। सो चलो चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। और फिर नेदर से जरूरतमंद सामान लेके मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। और मैं सोने जा ही रहा था कि यहाँ पे एक बहुत तगड़ा धमाका होता है। यस, कुछ क्रीपर्स ने मिलके मेरा पूरा घर उड़ा दिया। अरे यार सुधर जाओ, ये भी फूटेगा। पूरा घर बर्बाद कर दिया। उसके बाद मैं फिर से नेदर में आ गया बिकॉज मेरे पास सिर्फ 4 एंडर आइज थी। देन कुछ दिन ढूंढने के बाद मेरे को एंडरमैन वाली बायोम मिलती है। मैं एंडरमैन को मारता हूँ, बट देन आई रियलाइज अभी रैंडम ड्रॉप्स वाला चैलेंज चल रहा है और मेरे को सीरियसली एंडरमैन ने लिली पैड दिए थे। अभी मेरे को वापस जाना पड़ेगा। बट मेरे पास थोड़े बहुत गोल्ड थे तो मैंने उसको ट्रेड कर लिया। मैं आशा करता हूँ ये मुझे एंडर पर्ल देगा, बट नहीं, बंदे ने रोतड़ू ऑब्सीडियन दिया। फिर मुझे आभास हुआ ट्रेड करके मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है। इट वाज डे 86 एंड मेरे को 100 डेज के अंदर अंदर ड्रैगन हराना है। वैसे तो मैं स्पीड रन करता हूँ तो मैं सिर्फ 5 दिन में हरा सकता हूँ, बट समझा करो यार 100 डेज है, इसमें थोड़ा टाइम पास करना पड़ता है। बाय द वे, मेरे पास 4 एंडर आइज तो ऑलरेडी है एंड पोर्टल तो इन्हीं से ढूंढ लूंगा। चल बता भाई पोर्टल किधर है। तो इस दिशा में जाना है मेरे को और फिर मैं निकल जाता हूँ एक लंबे सफर पे। डे 87, यहाँ पे मैंने मोड के ऊपर इतना गौर नहीं किया था। उस टाइम मेरे पीछे बहुत सारा लावा था। लेट्स गो, बट लावा, अबे ये क्या है, इतना सारा लावा चेस करेगा क्या? वेल, अभी कुछ दिन तक मैं रुक नहीं सकता था कहीं पे। मुझे तो पता भी नहीं है कितने दिन तक पीछा करेगा। उसके बाद डे 87 से 90 तक मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने में लग गए। तो ये शायद डे 91। अबे ओ डैम, TNT की वर्षा हो गया। मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी तो यहीं पर है ना, तो मेरे को जल्दी से स्ट्रेट डिग डाउन करना पड़ेगा। ये लो, इसको भी कर दिया बंद और नीचे चलो। उस टाइम पे सीरियसली जहाँ मैं माइन कर रहा था उसके ठीक ऊपर TNT फूट रहे थे। ओ, ये रहा स्ट्रॉन्ग होल्ड, लेट्स गो। खैर अभी मेरे पास बस 6 अंडर आइज है। स्ट्रॉन्ग होल्ड में मैं चेस्ट ढूंढ रहा था अंडर पर्ल्स का। ओ, लेट्स गो, 2 ये मिल गए। 10 अंडर आइज हो गई है। इसके अंदर है क्या? लेट्स गो। तो अभी भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। लेट्स गो यहाँ से। ओ, मिल गया। उसके बाद मैं सबके अंदर एंडर आइस लगा देता हूँ, बट एक की कमी पड़ जाती है। देन मैं चला जाता हूँ और चेस्ट को ढूंढने। देन मेरे को एक और चेस्ट मिलती है एंड इसके अंदर भी एंडर पर्ल है। हियर वी गो, चलो एंड में। अब 100 डेज हार्डकोर में पिटने वाला है। अभी TNT को तो भूल ही गया था। अरे यार अब यहाँ पे गिरेगा ये। ऊपर से आवाज तो आ रही है, मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा। अबे ऊपर ही फूट रहे ये। ओ, गिरते गिरते बच गया, चलो। देन डे 92 से 95 तक मैं यहाँ पे ऐसे ही भागता रहा। ओके, डे 95। ओ, एनीथिंग यू ड्रॉ यू गेट्स। अरे यार ये पहले मिलना चाहिए था। अभी मेरे पास पानी की कमी है तो मैं सोच रहा हूँ एक वाटर बकेट ड्रॉ कर लूँ। फिर मैं ठहरा प्राचीन आर्टिस्ट, मैंने एक क्षण में वाटर बकेट बना दी। डन। ओके, सो ओ पानी मिल गया। लेट्स गो ड्रैगन को हराने। तो मैं जितनी भी आइस की बॉल्स लाया था उससे मैंने इसके क्रिस्टल्स फोड़ दिए। और जब मैं सबसे ऊंचे वाले टावर पे जा रहा था तो मेरे साथ ये होता है। खाना भी नहीं खान दिया इसने। और ये गया इसका लास्ट वाला क्रिस्टल। अभी बेड वगैरह तो मैं लाई नहीं हूँ इसलिए ऐसे ही मारूंगा। तो ये है डे 98, बस एक हिट करना है मेरे को ड्रैगन को। ऑलराइट, ये तो बॉस ही जाएगा। ओके, अरे यार 1 2 3। हाँ, 100 डेज हार्डकोर में मार दिया। इसका मतलब मैकेडन भाई के भी आगे कोई बोल सकता है क्या? लेट मी कलेक्ट, ये सब मेहनत की एक्सपी है भाई। पूरे 5 दिन से रोज 100 डेज को रिकॉर्ड कर रहा था मैं। ऑब्वियसली रोज 3 से 4 घंटे रिकॉर्ड किया मैंने। अभी देखो मेरा गोल तो कम्प्लीट हो गया है, बट 100 डेज के लिए 2 दिन बच गए थे अभी। तो इन 2 दिनों में मैंने एक्सपी कलेक्ट करी, इस मोड का यूज करते हुए विलेजर्स के लिए गिफ्ट तैयार किया और फिर उसको सबके घरों में जाके बांट दिया। लाइक ऑब्वियसली इस विलेज में मेरी बहुत हेल्प की है। देन मैं पांडू को देखने गया, इसके स्टंट दिखाने की बीमारी का इलाज लाया था, बट ये मेरे से गुस्सा हो गया। ओके, हो जाओ गुस्सा, मैकेडन के नीचे रहना पड़ेगा। और फाइनली कुछ देर बाद, इट वाज डे 99 की रात, चलो चलते हैं सोने। ओके, सो लेट्स गो, डे 100 कंप्लीटेड। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे फॉलो/ज्वाइन कर सकते हो। एंड नाउ तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।